हेलो दोस्तों, काशी की अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल ब्लॉग को जहाँ एंड किए थे वहीं से आज शुरू कर रहे हैं। तो कल रात को आप जयमाल का सारा वीडियो देखे थे, पार्टी का, और बारात आई थी, दुल्हन बैठी थी, तो गाना बजाना सब आप लोग देखे थे, खाना पीना। और आज के ब्लॉग में देखिए, रात की जो शादी बैठती है मंडप के अंदर, तो वो शादी का सारा वीडियो है, कन्यादान है, लावा परछन है, सिंदूर है, और विदाई का कल दिखाएंगे। आज रात की शादी का पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे कि जो जेठ आते हैं, जेठ वो मंडप के अंदर आते हैं और वो उनको कन्या को अपने पूरे जितने भी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, और ये सारा चीज़ चढ़ाते हैं, देते हैं। तो इसका ये वीडियो है, इसमें भाई लावा परछन करता है, इसका वीडियो है, परिवार के सभी सदस्य कन्यादान करते हैं, इसका भी इसी ब्लॉग में है। तो सारे ब्लॉग को ज़रूर अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे, आगे भी बहुत ही बढ़िया ब्लॉग हैं, इसको मिस मत करिएगा। तो सारा ब्लॉग आप लोग देखिए और इंजॉय करिए, बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल आपको दिखाएंगे विदाई का वीडियो, तो आज रात की शादी का वीडियो है, और जो गुड़ खिलाया जाता है, दही गुड़ खिलाया जाता है वो है, दिया बत्ती मिलाई जाती है, लड़का मिलाता है, और परिवार के सभी लोग दोनों जोड़ों को आशीर्वाद देते हैं, और आप लोग भी भर भर के आशीर्वाद इस नए बच्चों को दीजिए जो अब एक हो गए हैं, परिवार एक हो चुका है। तो इन लोगों के मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं आप लोग इनको दीजिए, ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत बहुत अच्छे से करें। भर भर के आशीर्वाद इन दोनों बच्चों को दीजिए, और क्योंकि कन्या है जो अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में जाती है, तो एक कन्या के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, अपना सारा कुछ छोड़ के वो नए घर में जाती है और सब कुछ उसको नया मिलता है। तो उसके लिए इसको आशीर्वाद दीजिए कि वहाँ जो भी रहे इसके साथ पति पत्नी अच्छे से रहें दोनों, यही आशीर्वाद दीजिए दोनों बच्चों को आप सब मिल के। तो अब ब्लॉग को आप लोग आगे देखिए, ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, हम लोग भी ओम विराजो दो हत पाद मसी पर चढ़भ्यो नमा कन्या च सावित्री भवतो, विराजो दो हत पाद मसी पर चढ़भ्यो नमा कन्या च सावित्री भवतो, विराजो दो पादमसी पर चढ़भ्यो नमा कन्या चा सावित्री भवतो। संदीप हाथ धुला दीजिए माता जी का। अच्छत दे दीजिए, रुक जाइए भाई, अच्छत दे दीजिए, पैर में डालिए दोनों, हल्दी लड़की के हाथ में लगा दीजिए। लड़के के टीका लगवा दो, आपको देरी चले गई। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। विराजो दो हत पाद मसी, पहले लड़की लड़के का फिर लड़की का,
ओम विराज माथे पे लगाइए, ओम विराजो दो हाथ पाद मसी पर चढ़ नमा कन्या चा सावित्री भवत, ओम विराजो दो हाथ पाद मसी पर चढ़ नमा कन्या चा सावित्री भवत। संदीप यहाँ दुला दीजिए, हाथ धो लीजिए, हाथ धोइए, हाथ मसीह पर चढ़भ्यो नमा कन्या चा सावित्री भवत, ओम विराजो दो हाथ पाद मसीह पर चढ़भ्यो नमा कन्या चा सावित्री भवत, ओम विराज धोइए भैया, ओम विराजो दो हाथ पाद मसीह, पहले लड़की लड़के का फिर लड़की का, ओम विराज माथे पे लगाइए, ओम विराजो दो हाथ पाद मसीह पर चढ़भ्यो नमा कन्या चा सावित्री भवत, ओम विराजो दो हाथ पाद मसीह पर चढ़भ्यो नमा कन्या चा सावित्री भवत। संदीप यहाँ दुला दीजिए, हाथ धो लीजिए, हाथ धोइए, हाथ ऐसे ही करेंगे वही हम करेंगे, अपना तैयारी के रूप में। ओम विराजो दो हाथ पाद मसीह पर चढ़भ्यो नमा कन्या चा सावित्री भवत, ओम विराजो दो हाथ पाद मसीह पर चढ़भ्यो नमा कन्या चा सावित्री भवत, ओम विराजो दो हाथ पाद मसीह पर चढ़भ्यो नमा कन्या चा सावित्री भवत। आप लड़की के हाथ में हल्दी लगा दीजिए, आप पैर पे अच्छा डाल दीजिए, दोनों पे बिटिया अम्मा के आदमियों को अम्मा के है क्यों खाली मैं जवाब। ओम विराजो दो हाथ पाद मसीह पर चढ़भ्यो नमा कन्या चा सावित्री भवत, ओम विराजो दो हाथ पाद मसीह पर चढ़भ्यो नमा कन्या चा सावित्री भवत, ओम विराजो दो हाथ पाद मसीह पर चढ़भ्यो नमा कन्या चा सावित्री भवत। हाथ उला दीजिए वो संदीप भैया, हीरा से टीका लगवा दीजिए लड़के को, अब आप हल्दी लगा दीजिएगा भाभी, आप हल्दी टीका सर पकड़ के हाथ में, एक हाथ से सर समझावा पड़ेगा, ये धीरज धीरज एक हाथ से अंगूठे से लगाना है लंबा टीका लगा, मति जो जानिंदते हरि ओ कलि प्रतिमो दुखान्तु।
ग्रुप में। ज्यादा भरी है ये, जितना ले सकते हो ले लीजिए, यहाँ से पूरा भर दीजिए ना, पूरा एकदम सिर तक। तो वर अपने पहले वाक्य में कहते हैं, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्य परिगृहयान द्वैतोषित भर्तिका। यानी कि जब तक मैं घर पर रहूं तब तक आप सजिए संवरिए, तेल लगाइए, उपटन लगाइए, नाना प्रकार की सामग्री से आप अपने आप का श्रृंगार कीजिए। परंतु जब हम घर से कहीं बाहर चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं, तब आपको सजना संवरना नहीं होगा, क्योंकि आपका श्रृंगार मेरे लिए ही है। आप जब हम कहीं बाहर चले जाएं तो आपको सजना संवरना नहीं होगा। कोई व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, या कोई पूजा पाठ इनसे छूट गया, उद्यापन नहीं हुआ, आप ये नहीं कहेंगे कि जा भैया नहीं हरे उद्यापन कर ले। आपको आप दायित्व तो बनता है कि अगर ये कहती हैं तो आप इनके व्रत का उद्यापन पूजन पाठ ये आप कराएं। और चौथे वचन में जो अभी मंडप में सबके समाज में आपने सोना चांदी रत्न भूषण चढ़ाया है, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं, ये पूरा अधिकार लड़की का है। जैसे आप विदेश चले गए, बाहर चले गए, अगर इसको आवश्यकता होगी तो किससे मांगेगी, उसका क्रय विक्रय, लेकिन आपको क्रय विक्रय करने का अधिकार नहीं है, इसको है। लेकिन तो मेरी सहमति लेनी होगी, अगर कुछ करते हैं तो एक बार इनसे भी पूछ लेना कि हाँ भैया ये हमको करना है कि नहीं करना है। अगर आप इनसे पूछेंगे तभी। और तीसरी के रूप में प्राप्त हुए हैं न अरु माता पिता की अनुकंपा से, मेरे माता। भैया सब लोग ध्यान लगा के सुन लीजिए, सात वचन लड़की कुछ कह रही है। लड़की कंधा हुआ, हर कंधे पे हाथ रखो, बस अब अपने अपने स्थान पे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम शंकराचार्य मुकुट मुकुट ये हटा दो, एक अपना रिवाज करा लो, टोपी पहना के करा लेने दो। हाँ और क्या, एक बार हो गया तो वो तो टोपियाँ पहना करा के जा रहे। हाँ हाँ टोपी पहना, हाँ टोपी पहन लीजिए, आगे मत जाइए। हाँ भैया कहाँ जा रहे हैं, टोपी पहना। सदेवा तारा बलम चंद्र सदेवा विद्या बलम देव बलम सदेवा लक्ष्मी पति ते दुर्गास्मरामी। चलिए आप आरुध होती ना माता पिता की कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए। अगर हमारे इस जीवन में कभी दुख या सुख आ जाए, ये नहीं कि भगवान एक ही समय नहीं करते, इसलिए लोढ़ा पहले ही दबवा दिया। अगर पर्वत के समान मुसीबत आए फिर भी आप दोनों को एक ही रहना है, ना कि अच्छा समय है तो ठीक है, बुरा समय हो जाए तो लड़ाई करा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। सदैव आपको मुझे अपने हृदय में रहना रखना होगा दिल समान, ये नहीं कि आज ज़्यादा भाव दिखा रहे हो जाने के बाद एक साल बाद फिर कह दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। इसलिए हमेशा आप सामान्य भाव रखेंगे, यदि आप प्रतिज्ञा पालेंगे तो मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। पर पंडित के पौराणिक दूसरे वचन में कहती है, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव हंसी खेल रंग रात मेरे रहने पर ही करना। लड़का दूसरे वचन में कहता है कि अगर मैं घर पे हूँ
तो मेरे यार दोस्त हैं, हंसी मजाक खेलो कूदो सब कुछ करो, लेकिन अगर मैं बाहर चला गया हूँ, अगर कोई मेरा यार दोस्त हित्र मित्र भी आता है तब कह दो भैया वो घर पे नहीं है, जब आएंगे तभी आना, और एक साधारण स्त्री का पालन करेंगे, ये आपके लिए वचन है। लड़का भर महोदय भी मांग रहा है आपसे एक वचन। और दूसरे वचन में लड़की कहती है वापी को तड़ांगानी हो जाए दोनों का हाथ में उठा लीजिए, हाथ उठा लीजिए दोनों लो एक तरीके से एकदम बत्ती को बढ़िया चढ़ा दीजिए एक साथ साथ वही है करके मिठी थी लाइट और जला दीजिए पता किसी तुमने तो खा के आएंगे।